जब इस केस के अंदर अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाली गई और सुप्रीम कोर्ट की जो डिवीजन बेंच थी, जस्टिस ए के गोयल साहब और जस्टिस यू यू ललित साहब की जो बेंच थी, जब इस बेंच के सामने बहस शुरू हुई, भाई थोड़ा सा इधर उधर की बात बंद हो जाती, नहीं सुन रहा तो बाहर चले जाओ। जब ये बहस शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल और महाराष्ट्र सरकार के वकील से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पूछा कि क्या तुम ये मानते हो SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। तो जब उसका जवाब केंद्र सरकार के वकील और महाराष्ट्र सरकार के वकीलों ने दिया, जवाब तो उनको ये देना चाहिए था कि SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर जब कोई मुकदमा दर्ज कराने जाता है तो थाने के अंदर पुलिस वाले धक्का देके बाहर भगा देते हैं, उसको डरा धमका देते हैं, मुकदमा दर्ज नहीं करते और बड़े लंबे संघर्ष के बाद, बड़े मेहनत करने के बाद अगर मुकदमा दर्ज भी हो जाए तो गवाहों को कोर्ट तक गवाही देने के लिए पहुंचने नहीं दिया जाता, गवाहों को डरा धमका दिया जाता है, गवाहों को कानून के अंदर सुरक्षा प्रदान करने की का प्रोविजन है लेकिन गवाहों को सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती, गवाहों को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट सरकार को देना चाहिए लेकिन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करके नहीं दिए जाते। ये बहस करने की बजाय, और ये कन्विक्शन रेट कम क्यों है, गवाहों को डरा धमका के तोड़ दिया जाता है, ये सारी बात जो केंद्र सरकार के वकील और महाराष्ट्र सरकार के वकील को जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी चाहिए थी वो बात रखने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र के वकील ने और महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि हाँ हम इस बात से सहमत हैं कि एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग होता है। तो जब आपका खुद का ही वकील सुप्रीम कोर्ट की हाँ में हाँ मिला के कोर्ट के सामने सच्चे तथ्य रखने की बजाय खुद ही कह दे कि हाँ इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकीलों ने कहा इसको केवल एक केस के तौर पर ना लिया जाए बल्कि एक परमानेंट ऐसी व्यवस्था कोर्ट दे दे ताकि इस कानून का दुरुपयोग न होने पाए, उसके बाद क्या बचा कोर्ट के पास, वकीलों ने जो मांगा केंद्र सरकार के और महाराष्ट्र सरकार के वकीलों ने वो उन्होंने दे दिया। उन्होंने तीन ऐसे शर्तें लगा दी, उन तीन शर्तों के लगने के बाद इस कानून को लगभग एक तरीके देखा जाए तो बिल्कुल खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो तीन महत्वपूर्ण शर्तें क्या है, पहली शर्त यह है कि अगर एट्रोसिटी का कोई भी मुकदमा पुलिस के पास आता है तो कोई भी पुलिस अधिकारी मुकदमा दर्ज ना करे, पहले वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे, DCP कम से कम DSP रैंक का अधिकारी, कम से कम DSP रैंक का अधिकारी पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे कि ये कोई जो घटना बताई गई है हुई है या नहीं हुई, और जांच करने के बाद उसे अगर लगता हुई है तब मुकदमा दर्ज करे वरना मुकदमा दर्ज ना करे। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके किसी के साथ एट्रोसिटी हो जाए और आप जाओ अपना मुकदमा दर्ज कराने के लिए तो क्या DSP रैंक के अधिकारी ईमानदारी से जांच करके आपका मुकदमा दर्ज करेगा या फर्जी दो गवाह लिखेगा 161 के बयान, फर्जी दो गवाह बयान लिखेगा और वो गवाह कहेंगे कि उस दिन वहाँ पे मौजूद थे, ऐसी कोई घटना नहीं घटी, और वो अपनी फाइनल रिपोर्ट लगा देगा कि कोई घटना ऐसी नहीं। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? दूसरी शर्त कोर्ट ने ये लगा दी कि मुकदमा दर्ज अगर आप कर लेते हैं और मुलजिम को आप अरेस्ट नहीं करेंगे, अगर मुलजिम को अरेस्ट करना है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पहले आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से परमिशन लेंगे अरेस्ट, और अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है मुलजिम तो कम से कम SSP रैंक से मुकदमे में अरेस्ट करने की परमिशन मांगी। तो कितने मुलजिमों को अरेस्ट करने की परमिशन मिलेगी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरी शर्त जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई वो इन दोनों शर्तों पे भी भारी है, वो बहुत खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी पुलिस का अधिकारी बिना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किए मुकदमा दर्ज कर लेगा और बिना परमिशन के मुलजिम को अरेस्ट करेगा
ऐसे पुलिस अधिकारी को खिलाफ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होगी और कंट्रैक्ट ऑफ कोर्ट होगी। उसके बाद किसी पुलिस अधिकारी की हिम्मत है जो कंट्रैक्ट ऑफ कोर्ट चले? यदि देखा जाए तो इस पूरे के पूरे कानून को इन्होंने डाइल्यूट कर दिया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार के वकीलों ने और महाराष्ट्र सरकार के वकीलों ने जो तथ्य कोर्ट के सामने रखने चाहिए थे वो कोर्ट के सामने नहीं रखे। उन लोगों ने गद्दारी की है, पूरे देश के सामने गद्दारी की है, पूरे समाज के साथ गद्दारी की है। तो एक तरफ तो ये इस तरीके से कोर्ट के माध्यम से हमारे खिलाफ निर्णय करवा रहे हैं, पूरा षड्यंत्र है। दूसरी तरफ जो रिजर्वेशन से संबंधित जो केस कोर्ट में जाते हैं, रिजर्वेशन से संबंधित सारे कोर्ट के जजमेंट को हम देख लें, उनमें निर्णय क्या आ रहे हैं? ज्यादातर केसेस के अंदर ऐसे निर्णय आ रहे हैं कि आपके हमारा जो रिजर्वेशन था उसको इन्होंने कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से लगातार धीरे धीरे करके लगभग तबाह कर दिया। इसके बाद भी इनका पेट नहीं भरा, जानबूझ के सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब की, क्योंकि ये जानते हैं इनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं। इन्हें पता सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? एससी एसटी माइनॉरिटी और गरीब। तो सरकारी स्कूलों में अच्छा अगर पढ़ाई का स्तर अच्छा होगा तो ये बच्चे पढ़ लिख के उनके बच्चों के सामने कंपटीशन में खड़े हो जाएंगे, तो कहीं उनके बच्चों के सामने कंपटीशन में खड़े ना हो जाए इसीलिए सरकारी स्कूलों का स्तर इतना गिरा दो कि सरकारी स्कूलों से केवल फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर पैदा हों। ये सोची समझी चाल के तहत जानबूझ के सरकारी स्कूलों की स्थिति को खराब किया गया। और ये केवल यही नहीं रुके, केवल पब्लिक स्कूल नहीं खोले इन्होंने, इन्होंने जो नो डिटेंशन पॉलिसी लागू की कि किसी भी बच्चे को पहली से आठवीं तक फेल मत करो, उन्हें ऐसे ही पास करते रहो, चाहे उसको एप्लीकेशन बीमारी की छुट्टी की लिखनी नहीं आती हिंदी में, उसके बाद भी वो पास हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ जो चालू हो गया अगर बच्चा इस नो डिटेंशन पॉलिसी की वजह से बच्चा हिंदी की एप्लीकेशन लिखना नहीं जानता, पहली से आठवीं तक उसे ऐसे ही पास कर दिया गया, उसके बाद कानून बना दिया नौवीं में जो बच्चा दो बार फेल होगा उसे स्कूल से निकाल दो। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं जिसको पढ़ाया लिखाया नहीं, कुछ सिखाया ही नहीं, पहली से आठवीं तक ऐसे ही पास कर दिया, क्या वो बच्चा एग्जाम पास कर पाएगा? क्या वो बच्चा भविष्य में कुछ बन पाएगा? उसका कोई भविष्य बचा है? मैं आप सबसे जानना चाहता हूं साथियों, अब से 20-25 साल पहले सभी माताएं बहनें खूब जेवर लाद के रोड से निकला करती थी, किसी की चैन स्नेच होती नहीं सुनी होगी। ये चैन स्नेचिंग की घटना पिछले 15-20 साल में देखी होगी, जब से नो डिटेंशन पॉलिसी आई है तब से बच्चे किसी लायक होकर स्कूल से नहीं निकल रहे हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनकी जरूरतें बढ़ती हैं, माँ बाप उनकी जरूरतें पूरे नहीं कर सकती, उस हालात में उनकी मानसिक दशा ऐसी हो जाती है वो बच्चे नशे के आदि हो जाते हैं, रोजगार उन्हें मिलता नहीं है और नशे की पूर्ति के लिए वो बच्चे मोबाइल स्नेच करते हैं, वो बच्चे चैन स्नेच करते हैं, वो बच्चे कहीं विदेश से नहीं आए, वो हमारे आपके बच्चे हैं। उन बच्चों का भविष्य पूरी तरह अंधकार में है, उनका क्या? मैं सच कहूं तो जिस तरह की व्यवस्था बना दी गई है, जिस तरह ठेकेदारी प्रथा लागू करके फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट को बैन करके इन्होंने हमारे समाज के आगे बढ़ने के रास्ते को बंद कर दिया, एक तरफ सरकारी स्कूलों को तबाह किया, दूसरी तरफ फोर्थ क्लास एम्प्लॉयमेंट पे बैन लगा दिया, तीसरी तरफ ठेकेदारी प्रथा लागू करके आउटसोर्स शुरू कर दिया, इससे हमारा रिजर्वेशन खत्म हो गया, खेती की भूमि हमारे पास है नहीं, उद्योग धंधे हमारे पास है नहीं, प्राकृतिक संसाधनों में हमारा हिस्सा है नहीं, हमारी लोगों की जो थोड़ी बहुत तरक्की थी सरकारी स्कूलों से पढ़ के रिजर्वेशन की वजह से, हम लोग कॉलेजों में पढ़ते थे, इंजीनियर डॉक्टर बनते थे, सरकारी नौकरियों में आ जाते थे छोटी मोटी नौकरियों में, अब हमारे आगे बढ़ने के रास्ते इन लोगों ने बंद कर दिए। आज आप फोर्थ क्लास में कोई भर्ती नहीं हो सकता चूंकि बैन रख चुका है, फोर्थ क्लास तो छोड़िए क्लैनिकल और उससे ऊपर की नौकरी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सब भी ठेके पे भर्ती किए जा रहे हैं, और जहां जहां ठेकेदारी प्रथा लागू हुई है वहां रिजर्वेशन खत्म हो गया। बहुत सारे सरकारी संस्थान इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिए, जो जो संस्थान प्राइवेटाइज हो गए वहां जिस बनिए ने वो खरीदा उसने सबसे पहले एससी एसटी के लोगों को नौकरी से निकाल दिया। यानी कि कहने का मतलब यह है हमारे समाज का दर्द हमारे सामने है, समाज की समस्या हमारे सामने है, हमारे पास कोई भी साधन नहीं है जिससे हमारा समाज तरक्की कर सके,
अब समाज का होगा क्या, समाज का भविष्य क्या है? क्या आप लोग दोबारा गुलामी स्वीकार करने के लिए तैयार है? नहीं है ना तैयार? तो फिर क्या अपने हक के लिए लड़ने को तैयार है? तो सबसे पहले तो हमें इस देश से ठेकेदारी प्रथा खत्म करने का एक बड़ा आंदोलन चलाना पड़ेगा, बड़ा आंदोलन चलाना पड़ेगा। और वो कोई अकेला राजेंद्र गौतम नहीं कर पाएगा, वो अकेली मैडम स्वराज नहीं कर पाएगी। हमारे समाज में से हमें और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पैदा करने पड़ेंगे। बाबा साहब दोबारा वापस आने वाले नहीं है, मानवर कांशीराम दोबारा वापस आने वाले नहीं है, पीपी मोरे दोबारा वापस आने वाले नहीं है। हमें और आपको अपने बीच अपने बच्चों में से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पैदा करने पड़ेंगे, पीपी मोरे पैदा करने पड़ेंगे, मानवर कांशीराम पैदा करने पड़ेंगे। और हजारों की संख्या में चाहिए तब पूरे देश के अंदर वो आंदोलन खड़ा करें किया जा सकता है जिसकी हम कल्पना करते हैं। तो ये जो 2 तारीख को आंदोलन हुआ इस जजमेंट के खिलाफ, ये गुस्सा केवल जजमेंट से नहीं था, ये गुस्सा बेरोजगारी से भी था, ये गुस्सा स्कूलों में जो हो रहा है शिक्षा का स्तर गिरा दिया जा रहा है इससे भी गुस्सा था, जो हमारी माँ बहनों की इज्जत टूट रही है, हमारे भाइयों की चिंता जलाया जा रहा है उसका भी गुस्सा था। ये कलेक्टिव गुस्सा निकल के 2 अप्रैल को रोड पे आया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उन्हीं सभी स्टेटों के अंदर हमारे 15 जवान बच्चों की को पुलिस के हाथों या राजा चौहान जैसे गुंडों के हाथों मरवा दिया गया। हमारे समाज ने कभी सरकारी संपत्ति नहीं फूंकी, हमारे समाज के लोग कभी रेलगाड़ियों को बसों को आग नहीं लगाते। वो जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी अपनी, हमारे देश की, हमारे समाज की है। वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखते हैं। तो ये संपत्ति किसने आग लगाई, बसों में किसने आग लगाई? हमारे इस आंदोलन को देख के इतना बड़ा आंदोलन सफल ना हो जाए, एसएसटी के लोग ये चुप ना हो जाए, इस आंदोलन को रिफ्यूज कर दो इसको सबोटेज करने के लिए, उनके लोग हमारा आंदोलन के बीच में घुसे, उन्होंने आचारी की, उन्होंने हमारे युवा बच्चों पे गोलियां चलाई, तो हमारे बच्चे पुलिस की गोली से भी मरे और राजा चौहान जैसे लोगों की गोली से भी मरे। और ये इसके बाद क्या हुआ? ये आंदोलन जिससे ये ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था घबरा गई, इस आंदोलन को पूरी तरह कुचलने के लिए, पूरी तरह खत्म करने के लिए इन्होंने राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, झारखंड के अंदर और यू उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर चुन चुन के हमारे बच्चों को घर से उठा उठा के खतरनाक झूठे मुकदमे बना बना के जेल में डाल दिया। कई हजार बच्चे हमारे समाज के जेलों में पड़े जिनकी जमानत भी नहीं हो पाई। हो सकता है अखबारों में नहीं छपते, आपको पता ना लग रही हो, किसी किसी को पता लग रही होगी। तो ये क्या चाहते हैं? हमारे बच्चों को झूठे मुकदमों में भरा के जेल में डाल के हमारे मनोबल को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि 2 तारीख का आंदोलन से लोग घबरा गए। तो क्या हम अपने मनोबल को टूटने देंगे? नहीं। क्या हम इससे डर जाएंगे? नहीं। क्या हम अपने घरों में बैठ जाएंगे? नहीं। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। और हमारे समाज की जनसंख्या इतनी है, गलती हमारी है, हम अपनी ताकत को पहचान नहीं रहे। उन्होंने 4-4 साल पहले हमारे समाज के मूल निवासियों को छोटी छोटी जातियों में बांट दिया, लेकिन आज अपनी मर्जी से हम छोटी छोटी जातियों में बटे हैं। क्या हम छोटी छोटी जातियों को खत्म करके एक नया समाज नहीं बना सकते? अगर कोई पूछे राजेंद्र गौतम तेरी जाति क्या है, तो मेरे मुंह से निकलना चाहिए वो अंबेडकर वादी। कोई ना पूछे डॉक्टर साहब तुम्हारी जाति क्या है, मैं हूँ अंबेडकर वादी। सीपी सिंह जी से पूछे तुम्हारी जाति क्या है, मैं हूँ अंबेडकर वादी। मनोज से पूछे तुम्हारी जाति क्या है, मैं हूँ अंबेडकर वादी। मैडम नर्मदी से पूछे तुम्हारी जाति क्या है, मैं हूँ अंबेडकर वादी। जब पूरे देश के हर कोने से ये आवाज आएगी मैं हूँ अंबेडकर वादी, मैं हूँ अंबेडकर वादी, उसके बाद देखना इस आंदोलन को रोकने की हिम्मत इसके पास में नहीं है। लेकिन जब तक हम छोटी छोटी जातियों में बटे रहेंगे, जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, जब तक बाबा साहेब के महत्व को नहीं समझेंगे, जब तक बाबा साहेब के सिद्धांत को नहीं पढ़ के उस पर नहीं चलेंगे, तब तक हमारा कोई उद्धार होने वाला नहीं है। साथियों, ये लोग एक एक करके हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाएंगे, एक एक करके हमारे युवाओं को जेलों में डालेंगे, एक एक करके हमारी नौकरियां छीनेंगे, हमारे एजुकेशन के रास्ते बंद करेंगे। तो ये तो साजिश है हमें दोबारा से गुलाम बनाने की। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ उस मंच के माध्यम से, हम दोबारा गुलामी स्वीकार करने वाले नहीं है। अपने समाज को दोबारा गुलाम होते नहीं देख सकते, चाहे हम इसमें इस आंदोलन में अपनी जान की आहुति क्यों ना देने पड़े। हम लड़ेंगे भी, मुझे भरोसा है, और हम जीतेंगे भी। लड़ाई कमजोर तब हो जाती है अगर मैं सोचूं मैं इस आंदोलन का नेता हूं और मेरे समझ में ही, मेरे समय में ही
थोड़ा सा कुछ मिल जाना चाहिए, तो आंदोलन फेल होता है। मुझे स्वीकार करना पड़ेगा ये आंदोलन चलता रहेगा, मैं और मेरे जैसे कितने लोग मर जाएंगे, लेकिन आंदोलन चलाने वाले हम तैयार करते रहेंगे। आंदोलन की आग बढ़ती चली जाएगी, उसके बाद इस आंदोलन को दबाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन हमें अपने मन में सोचना पड़ेगा, सबसे पहले हम भीड़ के सिपाही हैं, हम बाबा साहब के सिपाही हैं, और मेरे से ज्यादा इज्जत मेरे सामने वाले की है। मैं सामने वाले अपने साथी की इज्जत करूंगा, मैं अपनी बहन की इज्जत करूंगा, मैं अपने भाई की इज्जत करूंगा, मैं अपने बड़ों की इज्जत करूंगा, मैं इनका नेतृत्व स्वीकार करूंगा, मैं इनके नेतृत्व में चलने को तैयार हूँ, उसके बाद आंदोलन सफल होगा। अगर मैं सोच रहा हूँ मैं ही समाज के नेता हूँ, सब मेरे नेतृत्व में चले, तो आंदोलन ही फेल हो जाता है।